चाहत हुई तेरे ना। ऑफिस चला गया सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए, तुमने रोका नहीं? मैंने भी यही कहा था उससे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अरे कम से कम मुझे बता के तो जाता। अच्छा एक काम करो, फोन करो, मैं बात करती हूँ। जी बस करो जया, अब और क्या क्या करवाओगी मुझसे? मुझे पता है कि तुम मामा के कहने पे मुझे वापस बुलवाना चाह रही होगी। ओ, अम्मी मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा? हैरत की बात। मैं जानती हूँ वो घर वापस नहीं आना चाहता, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा। लेकिन मैं उन मेहमानों को क्या जवाब दूंगी, उसके ससुराल वाले आने वाले। अच्छा परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। आने दो उसे, बात करती हूँ। अम्मी प्लीज आप उससे कुछ मत कहिएगा, मैं जानती हूँ वो बहुत डिस्टर्ब है, थोड़ा सा वक्त दें, सब ठीक हो जाएगा। हदीब आप लोगों को थोड़ी सी देर हो गई, मैं तो कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। मैं तो सायरा से सुबह से कह रही हूँ जल्दी कर लो, देर हो रही है, वो लोग उठ गए होंगे। बस जी वो थोड़ा नाश्ते में ही देर हो गई। अरे कोई बात नहीं, ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है। हीरा बेटी कहाँ है? हाँ अपने कमरे में, मैं बुलाती हूँ उसे। नूरी नूरी। जी बेगम साहबा। वो दुल्हन बीबी को जगाओ, उनसे कहो कि उनके घर से नाश्ता आया, उनकी अम्मी भी आई। जाओ। जी मैं अभी बोलती हूँ। क्या बात है, तुम ऐसे यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? एक दुल्हन जिसका शौहर सुबह सुबह बिना बताए चला जाए, वो लड़की क्या सोच सकती है, तुम बताओ। हेरा तुम तो जानती हो ना कि अशर अपने काम में कितना मसरूफ रहता है, बस अभी भी उसे किसी मीटिंग की वजह से जाना पड़ गया, वो वापस आ जाएगा जल्दी, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नूरी। बीबी जी वो दुल्हन बीबी को बेगम साहबा बुला रही हैं, इनकी अम्मी आ गई है ना नाश्ता लेके। अच्छा ठीक है, तुम जाके नाश्ता लगाओ, मैं हेरा को लेकर आती हूँ। जी हेरा। कम ऑन चेयर अप, तुम्हारी अम्मी आई हैं। चलो। अशर बेटा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? आंटी अशर को एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ गया है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन शादी की पहली सुबह तो। आंटी कैसी बातें कर रही हो, अब हेरा और अशर तो इसी घर में है ना, नाश्ते तो होते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक कह रही हो, वैसे उसका सुबह सुबह उठ के इस तरह दफ्तर चले जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कारोबार है, ऐसा तो होता ही है। कोई बात नहीं, नाश्ता अगर हमारे साथ नहीं किया तो आप लोग आज रात का डिनर हम सब के साथ करें। नहीं नहीं हमें तो आप इजाजत दें, फिर किसी दिन आएंगे हम लोग। अरे आप लोग परेशान ना हो, मैं ड्राइवर से आप लोगों को आपके घर ड्रॉप करवा दूंगी। जोया नूरी से कहो आज रात को कोई बहुत अच्छा सा खाना बनाए, हमारी बहू का आज यहाँ इस घर में पहला डिनर है, ये सब हमारे साथ खाना खाएंगे।
जी अम्मी मैं कह देती हूँ, आप लोग नाश्ता करें प्लीज। आप लेना खाएं कुछ। दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी साथ होए। नूरी अच्छा सुनो, आज खाना जो है ना वो अशर और हीरा की पसंद का बनना चाहिए। इतना अच्छा खाना बनाओ कि वो खुश हो जाए। बीबी जी अशर साहब की पसंद तो मुझे पता है, लेकिन नई दुल्हन की पसंद नहीं पता। अच्छा तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं पता कर लूंगी, लेकिन आज सारा खाना मेरी निगरानी में बनेगा ताकि अम्मी को कोई मौका ना मिले बात करने का। ठीक है जी? ठीक है। क्या बन रहा है, मैं भी हेल्प करूं? तुम्हें क्या जरूरत है हेल्प करने की, आज तुम्हारा पहला दिन है। तुम मम्मी के साथ जाके बातें करो, काम हम कर लेंगे। जोया ये मेरा घर भी तो है ना, पहले दिन की क्या बात है। बिल्कुल तुम्हारा घर है और हम तुमसे काम भी कराएंगे, लेकिन तब जब तुम हमें अच्छे से खीर बना के खिलाओगी ना, उसके बाद खूब काम कराएंगे हम इससे। ठीक है नूरी? अब तुम जाओ जाके अम्मी के पास बैठो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बताओ क्या निकाला? अरे तुमने अभी से क्या चढ़ा दिया? जोया अशर को फोन करो भाई, आया नहीं अभी तक, इतनी देर कर दी। जी अम्मी मैं करती हूँ। बेटा इतनी देर कर दी तुमने, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्यों मेरा इंतजार क्यों हो रहा है? अरे खाने पर भाई, आज हम सब ने मिलके शादी की खुशी में डिनर का प्लान किया था ना। आप भी ना कीजिए, वैसे भी मैं खाना बाहर से खा के। सोया ये क्या बात हुई, हम सुबह से अशर का इंतजार कर रहे हैं खाने पे और वो आया और कमरे में चला गया। इंसान कुछ मेहमानों का ही ख्याल कर लेता, कितनी अजीब सी बात है, ना सलाम ना दुआ। एक्चुअली आंटी बात यह है कि अशर अपने बिजनेस की परेशानियों में थोड़ा उलझे हुए हैं, तो शायद इसलिए आप लोगों पे ध्यान नहीं दे पाए। ऐसी भी क्या मसरूफियत, इंसान दो मिनट रुक के अलग सेलेक्ट कर लेता है, आखिर उसके सास आई हुई है। अरे आप लोग नाराज ना हो, खाना शुरू करें, इसे मैं बाद में बात कर लूंगी। चल प्लीज ले। हाँ प्लीज आंटी खाना शुरू करें ना। हेरा अशर, तुमने हीरा की फैमिली के साथ कल जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। देखो जोया मुझसे और मजीद एक्टिंग की, मजीद नाटक की तवक्को मत करना। नाटक मतलब? जो काम अपनी मर्जी से ना किया जाए, जिसमें किसी और की मर्जी शामिल हो उसे नाटक ही कहते। लेकिन अशर हीरा अब तुम्हारी बीवी है। हाँ मेरी बीवी है, तुम्हारी जिद की वजह से आज वो मेरी बीवी है और कुछ नहीं। लेकिन क्या बात है सायरा, किसी सोच में घूमो। रसिया मुझे अशर के रवैये से लगा कि वो इस शादी से खुश नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं था हीरा के साथ। खुदा करे हीरा को वहां कोई तकलीफ ना हो, उस बेचारी ने पहले ही बहुत दुख देखे। हाँ बस इसी बात का तो डर लग रहा है, जो फैसला मैंने अपनी बेटी की बेहतरी के लिए किया है कहीं उसके लिए दुख का बायस ना बन जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बस दुआ करो कि हीरा हमेशा अपने घर में खुश रहे। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं अपने माजी और अपने हाल में रहना चाहूंगा,
क्या आप इस तरह मेरे साथ जिंदगी गुजार सकेंगे? देखो जोया, मुझसे और मजीद एक्टिंग की, मजीद नाटक की तवक्को मत करना। नाटक मतलब? जो काम अब तुम मर्जी से ना किया था, जिसमें किसी और की मर्जी शामिल हो, उसे नाटक ही कहते। लेकिन अशर, हैरा तुम्हारी बीवी है। हाँ मेरी बीवी है, तुम्हारी जिद की वजह से आज वो मेरी बीवी है और कुछ नहीं। आओ जोया। क्या बात है हैरा, तुम हर वक्त ऐसे सोचों में गुम क्यों बैठी रहती हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? जोया, मुझे ऐसा लगता है जैसे अशर मुझसे शादी करके खुश नहीं है। तुम्हें ऐसा अशर के रवैये से लग रहा है ना, तो उसकी सिर्फ एक वजह है। इंसान के लिए जितना मुश्किल दूसरी मोहब्बत को कबूल करना होता है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल पहली मोहब्बत से मुकरना होता है। सो आई होप कि तुम इस बात को समझोगी और अशर को थोड़ा सा टाइम दोगे। नूरी जी, वो जोया को भेजो, मुझे जरा उससे बात करनी है। अभी बुलाती हूँ। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, अशर से तुम्हारी कोई बात हुई या नहीं? जी मेरी बात हुई थी उनसे। वो कह रहा था कि मैंने आप दोनों के कहने पे जो कुछ कर सकता था कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या हो गया अशर को? कब तक फिल्मी हीरो की तरह मुंह लटकाए मेरे फैसले का मातम करता रहेगा? तुम एक काम करो ना, कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ। हो सकता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो हीरा में कुछ इंटरेस्ट लेने लगे। जी क्या बात है हीरा, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? कोई जरूरी बात? आप मुझसे शादी करके खुश नहीं है ना? इस बात का जवाब जाके मेरी माँ से और सोया से। नहीं अशर, इस सवाल का जवाब मुझे आपसे सुनना है, क्योंकि शादी आपने की है मुझसे। मेरा शायद तुम्हें याद है, मैंने तुमसे शादी से पहले कहा था कि मैं अपने माजी और हाल में जीना पसंद करूंगा। मुझे याद है आपने कहा था, लेकिन आप सिर्फ माजी में जी रहे हैं। हाल के साथ नहीं।
क्या ये काफी नहीं कि मुझे अशर की अम्मी ने इस घर से नहीं निकाला, बल्कि वो मुझे सिर्फ कुछ दिनों के लिए घर भेज रही है। कहीं ये चंद दिनों का फासला मेरे और अशर के दरमियान हमेशा की दूरी ना बन जाए। दूरी का एक सहरा जिसे मैं कभी पार ही ना कर सकूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अशर, अशर, क्या हुआ? कोई चीज चाहिए काम? चाय रहा? नहीं, थैंक यू। नाश्ता कर लिया तुमने? नहीं, नाश्ता मैं अम्मी की तरफ करूंगी जाके। अम्मी की तरफ जा रही? हाँ, मैंने सोचा अम्मी की तरफ चली जाऊं। खैरियत? मुझे तबीयत ठीक। ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इतनी सुबह सुबह? ठीक है, चली जाओ। अगर ये बता दो कि वापस कब आओगे? मैंने वापस आने के बारे में अभी सोचा नहीं। क्या मतलब है तुम्हें? अशर, मतलब तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, समझाने की जरूरत नहीं है। जो है, अब तक तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने वो किया। और क्या चाहती हो बता दो, वो कर देता हूँ। कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि अम्मी की तरफ चली जाओ। ठीक है, जाओ। तुम नाश्ता? हाँ, कर। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अशर, तुम क्या समझते हो? मुझे तुमसे दूर रहकर खुशी मिलती है, तुम क्या जानो? तुमसे जुदा होने का ना पहले कभी सोचा था ना अब। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी के अधूरेपन को दूर कर सकूं। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं पहले भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे करीब। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। मामा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि जोया अपने घर जा रही है? मुझे क्या जरूरत थी बताने की? तुम्हारी बीवी है, तुम्हें बता देती। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उसने मुझे क्यों नहीं बताया।
वो जानती थी अगर मुझे बताएगी तो मैं उसको उसके घर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो तुम्हें क्या परेशानी है उसके जाने से? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हेरा मौजूद है ना, जो काम कहोगे कर देगी। मामा प्लीज, जिस काम को करने के लिए मेरा दिल और दिमाग तस्लीम नहीं करता उसके लिए मुझे मजबूर ना करें। देखो अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे घर में है, इसका ख्याल तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा और कबूल भी करना पड़ेगा। क्या हाल है हीरा के? कुछ हालचाल पूछा उसका तुमने? दो तीन दिन से तो बात नहीं हुई। ठीक ही होगी। क्या मतलब ठीक ही होगी? तुमने देखा नहीं था उसके शौहर का रवैया हमारे सामने कैसा था? बाद में तो पता नहीं कैसा सुलूक करता होगा वो हीरा के साथ। हाँ बहन, बस दुआ कर मेरी बेटी खुश रहे। करूंगी आज उसे फोन। हाँ फोन करके पूछ लिया करो। नूरी, नूरी। अशर चाय। मैंने नूरी को बुलाया था। मैंने नूरी को मना किया। मैंने उससे कहा है कि आपके सारे काम मैं खुद करूंगी, वो नहीं। क्या आप मेरे हाथ की चाय नहीं पियेंगे? देखो हीरा, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, तुम यहाँ इस घर में मेरी मर्जी से नहीं आई। जिसकी मर्जी से आई वो मेरी माँ है, उसके साथ अपना ताल्लुक अच्छा बना के रखो, मुझसे कोई तवक्को मत रखना प्लीज। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल लोगों को एक वहम हो गया कि दूसरा इंसान शायद रोबोट है जिसकी कोई फीलिंग नहीं है, कोई एहसास नहीं है, जिसको जब चाहेंगे कहीं भी मोड़ देंगे। थैंक यू बट नो थैंक यू। बेगम साहिबा, ये जो नई बीबी जी हैं, ये तो कमरे में बंद रहती हैं, बाहर निकलती ही नहीं। अरे तो कसूर हमारे अशर का भी है ना, वो उसे बीवी ही नहीं मानता, वो बेचारी क्या करे। तो आप उनसे बात करें ना, समझाएं उनको। अरे क्या बात करूं, उसकी तो बस एक ही रट है कि आपने शादी कराई है, मैं नहीं जानता। अब तो सोया बीबी भी नहीं है, फिर भी ना उनके हाथ से चाय पीते हैं और ना ही खाना खाते हैं। क्या करें, जी मुश्किल में पड़ गई। मैं घर तो जा रहा हूं लेकिन घर पर कौन होगा? सोया तो है नहीं, हीरा से बात करने को मेरा दिल नहीं चाहता, वही रोज रोज एक ही बात। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, बैठो। क्या बात है, ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ। मुझे मालूम है हेशर ने तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया, लेकिन तुम यकीन रखो कि इंशाल्लाह एक न एक दिन तुम्हें जरूर अपना लेगा। वो मुझे कबूल करें या ना करें,
ये तो उनकी मर्जी है ना। देखो बेटा, तुम उसके सामने ना जरा बंठन की रहा करो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो। यूं उदास ना रहा करो। एक इंसान मुझे कबूल ना करने का फैसला कर चुका है, अब ये सब करने का कोई फायदा भी तो नहीं। ऐसे में इंसान की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिकर ना करो। देखो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, मैं जैसा जैसा कहूँ ना तुम बस वैसे वैसे करती जाओ, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट अशर, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात। बस अब बहुत मुस्कुरा के और शो हो के उससे मिलना, अच्छा उसे ये एहसास ना होने देना कि तुम्हें उसकी किसी बात से परेशान है। जी ठीक है। अशर, तुम्हें आज यहाँ आने के बजाय घर जाना चाहिए था। जो है मेरा घर वहां जाता हूँ। बच्चों की तरह जद मत करो। तुम जानते हो कि अम्मी ने तुम्हारी दूसरी शादी की जिद क्यों की थी, और मैं भी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में मुकम्मल देखना चाहती हूँ। फिर ये बिला वजह की जिद क्यों? बिला वजह की जिद नहीं है सोया, मैं किसी ऐसी चीज को कबूल नहीं कर सकता, इसके लिए मेरा दिमाग ही ना मानता। तुम उसे मुंह से कबूल कर चुके हो तो दिल से भी करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता और कुछ। कितनी देर हो गई तक वापस नहीं आया, और फिर कोई खैर खबर भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहा। तो मैं आज रात यहीं पर रहना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं कहीं और चला जाऊँ, और इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता। अच्छा अम्मी को तो बता दो, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें रोका है और मेरा इमेज खराब होगा उनके सामने, और वैसे भी वो परेशान हो रही होती है। तो होने दो, तो किसी को मेरी परेशानी की फिक्र नहीं है, तो मैं क्यों सबका ख्याल करूं? अच्छा ठीक है, तुम मत बताओ, मैं ही बता देती। ठीक है, जिसको बताना है बारे में। क्या वो तुम्हारे पास आ गया? दिमाग ठीक है? अरे तुमने उसे रुकने क्यों दिया? तुम उसे अभी भेजो, अभी के अभी, समझी? अम्मी मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ है। कैसी जिद? अशर कोई छोटा बच्चा है जो जिद पर अड़ा हुआ है? मैंने उससे दूर होने का फैसला इसीलिए किया था कि शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन तुम फोन दो अशर को, मैं पूछूं उससे कि आखिर वो हिरा के खानदान के सामने हमें बेइज्जत करवाना चाहता है। अम्मी अभी तो आप रहने दें, क्योंकि अभी वो बहुत अपसेट है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज उसे समझा दूं। देखो हिरा भी इंसान है, उसके भी कुछ अरमान है। तुम अशर को अच्छी तरह समझा देना कि कल ये ड्रामा ना करे तो बेहतर होगा। जी।
सॉरी बेटा। अशर तुम जाते रहे लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी बात? तुमने मुझसे वादा किया कि आज तुम घर जाओगे और जरा मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं घर जाऊंगा, मगर उससे पहले तुम्हें भी मेरी एक बात जाननी है। कौन सी बात? तुम्हें फोन पे बताऊं? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए भैया, आज हमारी समदन साहिबा तशरीफ लाइए। आइए आइए बैठिए। शुक्रिया। नूरी नूरी जी, भाई हमारी समदन आई है, जल्दी से इनके लिए चाय ले आओ और साथ में कुछ खाने के लिए कर जी। अरे नहीं नहीं, अपना ही घर है, आप तकल्लुफ मत कीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी समदन हमारे घर आए और बगैर कुछ खाए पिए चली जाए? ये खाया पिया तो अपने घर में जाता है ना। जी जैसे आपकी मर्जी। हीरा बेटी कैसी है? हीरा हीरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है आपकी बच्ची। बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि सास को बहू पसंद आ जाए, घर का माहौल अच्छा रहता है। जी हीरा में माशाल्लाह वो तमाम खूबियां हैं ये मुझे पसंद है। अशर बेटा कहाँ है, ऑफिस गए हुए हैं? जी जी ऑफिस गया है। अरे भाई कहाँ रह गई, चाय लेके आओ जल्दी। और आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो अलमास, कैसी हो तुम और अचानक कहाँ गायब हो गई थी? यार बस एक ज़रूरी काम से दुबई जाना पड़ गया, वहाँ कुछ दिन लग गए और जल्दी मैं बता भी नहीं सकी। तुम बताओ कहाँ हो, कैसी हो? मैं तो आजकल अम्मी के घर पे हूँ। अम्मी के घर पर, मगर क्यों? जब मिलोगी तो बताऊँगी, किसी दिन चक्कर लगाऊंगा। अरे किसी वक्त क्यों, कल ही आती हूँ ना, फिर गपशप करते हैं। ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी। हाँ हाँ ओके, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। चाहत हुई तेरे